हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे व्यूवर्स का एक बार फिर से नर्सिंग एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ प्यारा दोस्तों, आज का ये सेशन ESIC D++B से रिलेटेड आज का ये धुआंधार सेशन यहाँ पे रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बात करें इस सेशन में तो ESIC 2016 का अपन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी शिफ्ट फर्स्ट का पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। ESIC का 2016 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों आज का सेशन रहने वाला है। हर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक डिलीवर करने का हमारा प्रयास रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपके अपकमिंग हर एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े हेल्पफुल क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप सेशन को पूरा जरूर अटेंड करें। प्रीवियस सेशंस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाएं चैनल पे विजिट करें, आप पूरे जो सेशन है प्रीवियस आप सभी लोग जरूर अटेंड करें। आज के सेशन का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से रहने वाला है। आपको क्या करना है कि जो ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे पहले आपको, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे बी रहने वाला, सी रहने वाला, जो भी है आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। एक से दो क्वेश्चंस आप सभी के लिए मैं जरूर रखूंगा, उनका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देने वाला है। वो क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, क्लियर चीज है। तो आज के सेशन का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी की स्क्रीन पे। नॉर्मल बाईपेराइटल मेजरमेंट ऑफ द फुल टर्म फीटस फीटल हेड इज, दो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि दो आपका नॉर्मली बाईपेराइटल डायामीटर है, मेजरमेंट के दौरान कितना आपका नॉर्मल यहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन ए की बात करें तो 10.4 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर बी 11.4 सेंटीमीटर, या फिर 9.5 सेंटीमीटर, या फिर 8.5 सेंटीमीटर। दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो आपका नॉर्मल बाईपेराइटल डायमीटर होता है वो 9.5 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर चीज है दोस्तों, ये 2016 का ESIC का पेपर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ESIC के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर सेकंड रहने वाला है कि नेगरी बॉडीज आर फाउंड इन सेल इन्फेक्टेड विथ। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी नेगरी बॉडीज हैं वो किसके अंदर आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है फोवेल पॉक्स वायरस, ऑप्शन नंबर बी वैक्सीनिया वायरस, ऑप्शन नंबर सी रेबीज वायरस, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो अर्बो वायरस। तो आप सभी को पता है कि नेगरी बॉडीज के अंदर कहीं ना कहीं रेबीज वायरस के अंदर नेगरी बॉडीज देखने को मिलती है। रेबीज वायरस बोलते हैं इसको, कौन कोज करता है, लीजा वायरस कोज करता है, क्लियर चीज है, लेजा वायरस कोज करता है, क्लियर चीज है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, नेगरी बॉडीज आपकी रेबीज वायरस के अंदर देखने को मिलती है, क्लियर चीज है। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको ESIC के अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर जरूर ये क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेंगे। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, ऑप्शन को अच्छे से रीड करें देन अपना आंसर पुटअप करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहने वाला आज के सेशन का, विच वन ऑफ द दीज इज नॉट एन ऑब्स्टेट्रिक टू ऑब्स्टेट्रिक फोरसेप। दोस्तों ऑब्स्टेट्रिक फोरसेप जो गायनेकोलॉजिकल यूज करते हैं उस कंडीशन में जो सभी फोरसेप देखने को मिलती हैं बट एक है वो यहाँ पे नहीं रहने वाली। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी यहाँ पे नहीं रहने वाली है जो आपकी ऑब्स्टेट्रिक फोरसेप के अंदर यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है हैंग फर्गसंस फोरसेप, ये आपकी ऑब्स्टेट्रिक फोरसेप देखने को मिलती है। जो केली लैंड्स फोरसेप होती है ये भी यहाँ पे रहती है। यही बात करें थर्ड ऑप्शन आपका ब्रिंग्स फोरसेप, और ऑप्शन नंबर फोर की बात करें तो रिंगल्स फोरसेप। दोस्तों बात करें इसमें से इनमें से कौन सी कंडीशन यहाँ पे नहीं रहने वाली, जो आपकी बात करें तो ब्रिंगल्स फोरसेप है, ब्रिंगल्स फोरसेप ये आपकी ऑब्स्टेट्रिक फोरसेप नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, एक और शानदार क्वेश्चंस दोस्तों, व्हूपिंग कफ इज कॉज्ड बाय। दोस्तों आप सभी को पता है कि व्हूपिंग कफ किसको बोलते हैं, पर्टुसिस को बोलते हैं, पर्टुसिस। ये कहीं ना कहीं बात करें तो पर्टुसिस को बोलते हैं, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा रहने वाला है, बोर्डेटेला पर्टुसिस, बोर्डेटेला पर्टुसिस इसका कॉजेटिव एजेंट रहने वाला है। जो आपका पर्टुसिस है या फिर व्हूपिंग कफ है इसको अपन और किस नाम से जानते हैं, 100 डे कफ के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर चीज है, 100 डेज कफ के नाम से भी जाना जाता है पर्टुसिस को। ऑप्शन की बात करें तो कौन कोच करता है पर्टुसिस को, यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस बेसिलस क्या कोच करता है, ये बिल्कुल नहीं करता है, पर्टुसिस बेसिलस ये कोच करता है पर्टुसिस को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, वेरिसेला वायरस ये कोज नहीं करता है, नॉन स्पेसिफिक वायरस इन्फेक्शन ये भी कोज नहीं करता है। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, एक और शानदार क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पे।
हाँ दोस्तों, बात करें क्वेश्चन की तो डिफिकल्टी इन अचीविंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस। दोस्तों कहीं ना कहीं जो बैलेंस को मेंटेन करने में, अचीव करने में कहीं दिक्कत आ रही है। ग्रॉस एंड द फाइन मोटर इन द कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एज। दोस्तों बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं बैलेंस को मेंटेन करने में जो ग्रॉस और फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन है, कहीं ना कहीं मेंटेन करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे। क्या बात करें ऑप्शन फर्स्ट की तो डिस्थाइनेसिया बोलेंगे या फिर स्पास्टिक बोलेंगे, या फिर बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे रहने वाला है डिसलेक्सिया, या फिर ऑप्शन डी की बात करें तो एटेलेक्सिस। दोस्तों बात करें इस कंडीशन को, डिफिकल्टी हो रही है आपको बैलेंस को मेंटेन करने में ग्रॉस फाइन मोटर का कोऑर्डिनेशन में, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे एटेक्सिया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। एटेक्सिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर चीज़ है, बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं ईएसआईसी के एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, साइकेट्रिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आप सभी का रहने वाला है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इस इज कंसिडर्ड मून डिसऑर्डर विच इंक्लूड द अकरेंस ऑफ द प्रोग्रेसिव एपिसोड एंड वन और मोर रिलेटेड टू मूड एपिसोड। दोस्तों यहाँ पे मूड एपिसोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मूड डिसऑर्डर है और विच इंक्लूड द अकरेंस ऑफ द डिप्रेसिव एपिसोड देखने को मिल रहा है और मूड एपिसोड देखने को मिल रहा है, एक और एक से ज़्यादा, वो कौन सा आपका डिसऑर्डर रहने वाला है। क्या उसको बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर कंसिडर करेंगे, या फिर साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर कंसिडर करेंगे, या फिर डिल्यूजनल डिसऑर्डर के अंदर कंसिडर करेंगे, या फिर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर कंसिडर करेंगे। तो आप सभी को पता है कि मूड डिसऑर्डर और जो आपका डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, वो कहीं ना कहीं बाईपोलर डिसऑर्डर यहाँ पे रहने वाले। ये दोनों कहीं ना कहीं बाईपोलर डिसऑर्डर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। डिप्रेशन की कंडीशन है और जो मैनिया की कंडीशन है, ये बाईपोलर डिसऑर्डर आपका रहने वाला है। तो बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिए आज के सेशन का नेक्स्ट वन क्वेश्चन रहने वाला है, सेवन नंबर क्वेश्चन रहने वाला है आज के सेशन का। आप सभी लोग आंसर जरूर दें दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। सेवन नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, नेम ऑफ द ड्यूडिनल हार्मोन इज। दोस्तों जो आपका ड्यूडिनल हार्मोन है, उसका क्या नाम यहाँ पे रहने वाला है। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला ए मोटिलिन, या फिर एसिड पेप्सिन बोलेंगे ड्यूडिनल हार्मोन को, या फिर कोलिसिस्ट्रोकाइनिन बोलेंगे, या फिर गैस्ट्रिक इनिबिटिंग पेप्टाइड हार्मोन बोलेंगे ड्यूडिनल हार्मोन। दोस्तों क्या आंसर रहने वाला है, आप सभी लोग अपना आंसर जरूर दें। दोस्तों बात करें यदि ड्यूडिनल हार्मोन की नाम की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसको बोलेंगे कोलीसिस्टोकाइनिन। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पे राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर चीज़ है, बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन भी डायरेक्टली कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। ये दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना बहुत ही जरूरी रहने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर एट रहने वाला है, लंबर फंक्शन रिलेटेड पूछा गया है कि लंबर फंक्शन या फिर स्पाइनल टैब इज डन बिटवीन द वर्टिब्रा। दोस्तों यहाँ पे एडल्ट मेंशन नहीं कर रखा है, चिल्ड्रन भी मेंशन नहीं कर रखा है, तो उस कंडीशन में आपका क्या आंसर रहने वाला है। बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है दोस्तों। लंबर फंक्शन पूछा गया है कि कौन सी साइट आपकी रहने वाली है वर्टिब्रा की। ऑप्शन ए की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है L1 या फिर L5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी रह रहा है L1 से L2। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो L3 L4। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो L4 L5। दोस्तों आप सभी को पता है कि एडल्ट के अंदर नॉर्मली कौन सा साइट यूज करते हैं, L3 एंड L4 यूज करते हैं लंबर। नेक्स्ट वन चाइल्ड की बात करो, चाइल्ड के अंदर अपन यूज करते हैं L4 और L5 यूज करते हैं। क्लियर चीज है। तो यहाँ पे ऑन एंड एवरेज की बात करें तो आपका आंसर की बात करें तो यहाँ पे 4 आ रहा है एडल्ट के अंदर और 5 कहीं ना कहीं चिल्ड्रन के अंदर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जाने वाला है, जिसमें बता रहा कि L4 से L5 जो कहीं ना कहीं वर्टिब्रा है, जिसमें लंबर पंक्चर आप यहाँ पे चेक करते हैं। क्लियर चीज है, L4 और L5 साइट आपकी रहने वाली है लंबर पंक्चर के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बता रखा है कि लंबर पंक्चर कैन बी डन बिटवीन L3 L4 इन एडल्ट एंड L4 L5 इन चिल्ड्रन। ये मैंने आपको अभी बताया था, ये की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। लंबर पंक्चर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, द नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस वेट इन ग्राम्स ऑफ। दोस्तों नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का कितना वेट है, यहाँ पे पूछा गया है कि नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का कितना वेट है। दोस्तों बात करें, एक प्रेग्नेंट यूट्रस होता है, एक नॉन प्रेग्नेंट होता है। प्रेग्नेंट यूट्रस का कितना वेट होता है
और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का कितना वेट होता है। दोस्तों बात करें नॉन प्रेग्नेंट की तो 60 ग्राम आपका वेट देखने को मिलता है, वहीं बात करें तो 1000 ग्राम किसका वेट देखने को मिलता है, ये प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है उसके अंदर आपको 1000 ग्राम वेट देखने को मिलता है प्रेग्नेंट यूट्रस का, और नॉन प्रेग्नेंट की बात करें तो 60 ग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे बी की बात करें तो 80 बता रखा है, ऑप्शन ए की बात करें तो 95 ग्राम, ऑप्शन सी की बात करें तो 60 ग्राम, ऑप्शन डी की बात करें तो 50 ग्राम। तो राइट आंसर की बात करें तो जो आपका 60 ग्राम है वो कहने के नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट यहाँ पे रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। एक और दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस दोस्तों काफ़ी बार आपके एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, ये आपको कहीं ना कहीं नॉर्सेट के अंदर भी पूछा गया है, और जो आपका स्टाफ नर्स के एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के या फिर सेंट्रल लेवल के उनमें भी ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है। मुस्लिम प्रेयर पोजिशन इज यूज टू सर्जरी, दोस्तों जो आपकी मुस्लिम प्रेयर, जैसे कि मुस्लिम प्रेयर करते हैं उस कंडीशन में जिस पोजीशन को यूज करते हैं वो पोजीशन किस सर्जरी के अंदर यूज करते हैं। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है लेमिनेक्टोमी में यूज करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी लेप्रोस्कोपी में यूज करते हैं, या फिर ऑप्शन डी में बात करें तो लेप्रोटोमी, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो लेरिंजेक्टोमी। जी हाँ दोस्तों, बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है कि ये जो आपकी पोजिशन है मुस्लिम प्रेयर वो आप किस में यूज करेंगे। तो दोस्तों बात करें तो लेमिनेक्टोमी की पोजिशन जो सर्जरी होती है उस कंडीशन में आप यूज करते हैं मुस्लिम प्रेयर पोजीशन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहने वाला है, लेमिनेक्टोमी के टाइम आप यूज करते हैं मुस्लिम प्रेयर, क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, एक और शानदार क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पे, क्वेश्चन दोस्तों काफी अच्छा है, आप अच्छे से रीड करें देन अपना आंसर पुट अप करें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 11 रहने वाला है आज के सेशन का, द टर्म मेनिंजोसील मीन्स, दोस्तों मेनिंजोसील टर्म का मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए की बात करें तो द मेनिंजियस प्रोट्रूड आउट थ्रू द स्पाइनल कैनाल, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो स्पाइनल कोड एंड द कोड मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्रोट्रूड आउट, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ओनली स्पाइनल कोड प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो CSF दैट मीन्स सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड कलेक्टेड इन अ सिस्ट, किस कंडीशन को दोस्तों मेनिंजियोसील यहाँ पे बोलने वाले हैं। दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है, दोस्तों यहाँ पे मेनिंजियोसील की बात करें तो द मेनिंजियस प्रोट्यूड आउट थ्रू द स्पाइनल कैनाल, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, क्लियर चीज है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहने वाला है। जो मेनिंजियस प्रोट्यूजन आपको देखने को मिल रहा है स्पाइनल कैनाल की कंडीशन में उसको अपन क्या बोलेंगे, मेनिंजियोसील बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं आज के सेशन का, 12 नंबर क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाला है, एन ओपनिंग इन द बोन थ्रू विच ब्लड वेसल्स नर्व और लिगामेंट्स पास इन कॉल्ड। जी हाँ दोस्तों, बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा आपका लिगामेंट है, नर्व है, ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर कहने की आपको क्या है ओपनिंग देखने को मिल रही है बोन की, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ओपनिंग इन द बोन थ्रू विच ब्लड वेसल्स नर्व एंड लिगामेंट पास इज कॉल्ड एज। दोस्तों ऑप्शन ए की बात करें तो क्या उसको फोसा बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो सल्कस बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो एंट्रम बोलेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो उसको फोरामेन बोलेंगे। आप सभी को पता है कि फोरामेन के अंदर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, कहीं ना कहीं वेसल्स जो नर्व होती हैं लिगामेंट होते हैं ये सारे पास आपको कहाँ से देखने को मिलते हैं, फोरामेन के अंदर से देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, डॉट 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 इज सेलिब्रेट इज वर्ल्ड हेल्थ डे, WHO डे वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ डे आपको कब सेलिब्रेट करना होता है, June 8th को आप सेलिब्रेट करते हैं, या फिर 8 मार्च को, या फिर 7 अप्रैल को, या फिर 30 मई को, 31 मई को। दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो 7 अप्रैल को आप क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, और 12 मई को आप इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल नर्सेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो 12 मई को किया जाता है, और कहीं ना कहीं बात करें यदि 7 अप्रैल को तो आपका वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आज के सेशन का 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है आप सभी की स्क्रीन पे, बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, द इन्फेक्शन ऑफ विच ऑर्गन इन न्यूबॉर्न चिल्ड्रन। दोस्तों ऑम्फेलाइटिस है वो कहीं ना कहीं न्यूबॉर्न के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, तो किसका इन्फेक्शन यहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फेक्शन है, या फिर इन्फ्लेमेशन है, या फिर ऑप्शन बी की बात करें ईयर का, या फिर आई का, या फिर फेरेंजाइटिस का,
यहाँ पे आप आई कर सकते हैं, क्लियर चीज़ है। आई का इन्फेक्शन है या फिर ईयर का है या फिर फेरिंग्स का है या फिर अम्ब्लाइकल कॉर्ड का है। अम्फेलाइटिस की बात करें तो आपका किसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है, और जो अम्ब्लाइकल कॉर्ड होती है उसका इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, अम्फेलाइटिस बोलेंगे। क्लियर चीज़ है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, एक और शानदार क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। आज के सेशन का 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें देन अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी लोग जरूर पुटअप करें। चलिए, इज इमेजिनेशन और टेलीस्कोपिंग ऑफ द पोर्सन ऑफ द इंटेस्टाइन इन एडजेंट मोर डिस्टल सेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन विच क्रिएट्स अ मैकेनिज्म ऑब्स्ट्रक्शन। दोस्तों बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है कि टेलीस्कोपी हो रही है किसकी, इंटेस्टाइन की। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जैसे कि ये इंटेस्टाइन है और कहीं ना कहीं इस इंटेस्टाइन का टेलीस्कोपी हो रहा है, वापस कहीं ना कहीं वापस उसी में देखने को मिल रही है। देन इस टाइप की आपको कहीं ना कहीं ऑर्गन देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स टेलीस्कोपी हो रही है, इमेजिनेशन के दौरान आप देख रहे हैं, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, क्या हर्सप्रंग डिजीज बोलेंगे या फिर एंटेरोकोलाइटिस बोलेंगे या फिर एन्यूरिज्म बोलेंगे या फिर हर्सप्रंग डिजीज बोलेंगे। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, हर्सप्रंग डिजीज बोलेंगे, सॉरी इनटू ससेप्शन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। जब भी कोई टेलीस्कोपी हो रही है इंटेस्टाइन की, उस कंडीशन में आप बात करें तो राइट आंसर की बात करें तो इनटू ससेप्शन की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। दैट मीन्स यह आपकी क्या है, इंटेस्टाइन है, इसके अंदर आपको टेलीस्कोपी देखने को मिल रही है। दैट मीन्स आपका इंटेस्टाइन का पोर्शन वापस इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है, दस रहा है, उस कंडीशन में बात करें तो इनटू ससेप्शन कंडीशन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन आज के सेशन का 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि 2016 का स्विफ्ट फेस्ट का ये क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, 2016 का ईएसआईसी का जो क्वेश्चन पेपर है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। हर एक पेपर वो आप तक डिलीवर किया जाएगा ईएसआईसी का, जो ओल्ड पेपर है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े हेल्पफुल वो क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाले हैं। विच इज वन ऑफ द प्राइमरी कोज ऑफ द डायबिटिक इंसिपिटस, डायबिटिक इंसिपिटस का मोस्ट कॉमन प्राइमरी कोज यहाँ पे क्या रहने वाला है, लैक ऑफ इंसुलिन या फिर चेंजेस इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर ऑप्शन सी की बात करें तो पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर या फिर बात करें ऑप्शन नंबर डी ओवर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। तो आप सभी को पता है कि डायबिटिक इंसिपिटस में क्या देखने को मिलता है, ADHD की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है, जो आपका एंटी डायुरेटिक हार्मोन है उसकी कहीं ना कहीं आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो जो ADHD हार्मोन है कौन सिक्रेट करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट करता है, क्लियर चीज है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका ADHD हार्मोन सिक्रेट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेंजेज इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, व्हाट इज द टेम्परेचर फॉर द टेपिड स्पेंस। दोस्तों जो आपका टेपिड स्पेंस है उसका यहाँ पे कितना नॉर्मली टेम्परेचर रहने वाला, ये क्वेश्चन दोस्तों UP UMS के अंदर भी आपको देखने को मिला था, UP UMS के अंदर भी आया हुआ ये क्वेश्चन था दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये हर एक एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है कि टेपिड स्पंज का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहने वाला है, 16 टू 18 डिग्री सेल्सियस या फिर 18 टू 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 27 टू 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो आप सभी को पता है कि नॉर्मल सेल्सियस के अंदर बात करें तो आपका 27 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस आपका नॉर्मली टेम्परेचर टेपिड स्पंज का देखने को मिलता है, क्लियर चीज है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, विच इज द सेफेस्ट मेथड फॉर द स्टरलाइजिंग मिल्क। दोस्तों मिल्क को स्टरलाइज करने के लिए आपका सेफ मेथड कौन सा यहाँ पे रहने वाला है, 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को 5 स्टार लिख लें और ये की पॉइंट आप अपनी नोटबुक के अंदर जरूर लिखें, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूछा गया है कि मिल्क को स्टरलाइज करना है तो आपका कौन सा मेथड रहने वाला है, बात करें राइट आंसर की तो पाचुराइजेशन वो मेथड रहने वाला है जिससे क्या है स्टराइल करते हैं अपन मिल्क को, पाचुराइज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहने वाला है। फ्रीजिंग नहीं करते हैं, सेमरिंग की नहीं करते हैं, बॉइलिंग भी नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का रहने वाला है, स्लीपिंग सिकनेस इज कोज्ड बाय, जो आपका स्लीपिंग सिकनेस की कंडीशन है वो कहीं ना कहीं किसको कोज करेगी, क्या कोज यहाँ पे रहने वाला है, क्या मॉस्किटो कोज करता है, हाउस फ्लाई या फिर
टेस्ट ए फ्लाई या फिर सैंड फ्लाई, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे दोस्तों? बात करें राइट आंसर की तो दोस्तों आपका जो स्लीपिंग सिकनेस की है कोज कौन करता है? टेस्ट ए फ्लाई कोज करती है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज अ कंजेनाइटल नैरोइंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ द फॉर स्किन सो दैट इट कांट बी रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट आपको नहीं देखने को मिल रहा है, कंजेनाइटली नैरोइंग ओपनिंग देखने को मिलती है फोर स्क्रीन की और कांट बी रिट्रैक्ट, उस वो स्क्रीन कहीं ना कहीं रिट्रैक्ट नहीं हो रही है, उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? फिमोसिस बोलेंगे। इसका जो भी अपोजिट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पैराफिमोसिस बोलते हैं। बट स्किन यहाँ पे रिट्रैक्ट नहीं हो रही है और जो फोर स्किन है वो नैरो देखने को मिल रही है, कंजेनाइटल कंडीशन है। उस कंडीशन में बात करें तो फिमोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, जो ग्लांस पेनिस की जो स्किन है वो कहीं ना कहीं रिट्रैक्ट नहीं हो रही है, उस कंडीशन में फिमोसिस की कंडीशन बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। फॉर्मेशन ऑफ द पोस्टुअल इन द एरिया ऑफ द आईलेसेस ऑफ फॉलिकल इज कॉल्ड। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईलेसेस हैं, फॉलिकल्स हैं, उसका एरिया है, उसका फॉर्मेशन पोस्टुलिस देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए की बात करें तो टोसिस बोलेंगे, या फिर बी ऑप्शन कंजक्टिविटिस बोलेंगे, या फिर ग्लूकोमा बोलेंगे, या फिर स्टाइले बोलेंगे। क्या दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है? आप अपना आंसर जरूर दें। दोस्तों उस कंडीशन में अपन बात करें तो स्टाइले बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक और दोस्तों शानदार की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। स्टाइल इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द आईलिड्स एसोसिएटेड विद द नॉर्मल स्मॉल कलेक्शन ऑफ द पस। स्मॉल कलेक्शन ऑफ पस की कंडीशन में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है आईलिड्स का, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? स्टाइल बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। द मोस्ट केसेज द इन्फेक्शन कोज बाय द स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इट इज समटाइम नॉन एज द होरेडियोलम, उसको अपन होरेडियोलम बोलेंगे। क्लियर चीज है। ये दो की पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है, यदि आपको पूछा जाता है डायरेक्ट तो आपको आंसर जरूर देना है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का 22 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। साइड टू द कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड एज। दोस्तों कहीं ना कहीं साइड कर्वेचर है कहीं ना कहीं स्पाइन का, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? क्या डिसप्लेसिया बोलेंगे, काइपोसिस बोलेंगे, या फिर स्कोलियोसिस बोलेंगे, या फिर एपिफाइसिस बोलेंगे? क्या राइट आंसर रहने वाला है आप सब लोग जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपका लेटरल कर्वेचर देखने को मिल रहा है, साइड कर्वेचर देखने को मिलता है, उस कंडीशन में स्कोलियोसिस बोलेंगे उसको अपन। क्या बोलेंगे? स्कोलियोसिस। कहीं ना कहीं स्पाइन का साइड कर्वेचर देखने को मिल रहा है। चलिए आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 23 रहने वाला है। सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय। जो आपका सेरिब्रल मलेरिया है वो कौन कोज करता है? बड़ा दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोगों को जरूर देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर भी दें, जरूर दें। ऑप्शन ए की बात कर तो प्लाज्मोडियम ओवल, ऑप्शन बी की बात कर तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ऑप्शन नंबर सी की बात कर तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम, ऑप्शन नंबर डी की बात कर तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई। दोस्तों सेरिब्रल मलेरिया की बात करें तो कौन कोज करता है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का 24 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। व्हेन इज द पोस्ट मैच्योरिटी प्रेगनेंसी कंसिडर्ड इज। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट मैच्योरिटी आप प्रेगनेंसी के अंदर कब कंसिडर्ड करेंगे? क्लियर चीज है। ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है आफ्टर 40 वीक, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है आफ्टर 45 वीक, ऑप्शन सी रहने वाला है आफ्टर 41 वीक, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो आफ्टर 42 वीक को अपन क्या बोलेंगे? पोस्ट मैच्योरिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यदि आफ्टर 40 वीक की प्रेगनेंसी है, उस कंडीशन में अपन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर चीज है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ESSC में जरूर पूछे जाएंगे कि प्री टर्म प्रेगनेंसी है उसको अपन कब कंसिडर करते हैं? 36 वीक से कहीं ना कहीं लेस देन जो प्रेगनेंसी हो रही है उसको अपन कहीं ना कहीं प्री मेच्योरिटी प्रेगनेंसी बोलेंगे, और पोस्ट मेच्योरिटी की बात करें तो आफ्टर 22 वीक। नॉर्मल बात करें तो 280 डेज आपकी प्रेगनेंसी का पीरियड होता है। कितने डेज की प्रेगनेंसी होती है? 280 डेज 9 मंथ। क्लियर चीज है, 9 मंथ। या फिर डेज की बात करें तो यहाँ पे 280 डेज आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी का डे रहने वाला है। एवरेज की बात करें तो 38 वीक से आपका 40 वीक कहीं ना कहीं एवरेज आपको देखने को मिलता है। आज के सेशन का 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट में जरूर देना है। इज फॉर्मिंग विटामिन के फेट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन की बात करें तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑप्शन नंबर बी आपका
प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन नंबर सी आपका फिब्रिनोजन, ऑप्शन नंबर डी थ्रोम्बिन। इसका क्या आंसर रहने वाला है आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। और आप सभी को कोई क्वारीज हैं, कोई डाउट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव धमाकेदार क्लास के साथ में। तब तक आप सब लोग बने रहें नर्सिंग एजुकेशन परिवार के साथ में। चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी तमाम हर एक इम्पोर्टेंट क्लासेज आपको लगातार नर्सिंग एजुकेशन की टीम के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। जो थ्योरी के क्लासेज हैं वो भी आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें। और जो ESICC और HCPGI के लिए स्पेशल आप सभी के लिए ओम सर की क्लासेज आपको डेली मिल रही हैं, क्लास सेकंड आपके लिए आ चुकी हैं, फर्स्ट क्लासेज भी डाल रही हैं, तो टोटल आपको पता है कि दो सीरीज आपको मिल रही है, एक ESICD SSS B और एक ESICC और HCPGI की सीरीज आपको डेली मिल रही है नर्सिंग एजुकेशन के चैनल पर। तो आप सभी लोग वो क्लासेज जरूर अटेंड करें और अपना कमेंट बॉक्स के अंदर रिव्यू जरूर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।